जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मुस्लिम वुमन इन इंडिया डूइंग नमाज फॉर पीएम मोदी टू विन एज अ पीएम, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। नमाज, प्रार्थना, जो भी श्लोक, जो भी आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मोदी साहब तब जीत चुके थे जब उन्होंने बोला था इस बार 400 बार, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। एग्जिट पोल आने के बाद मुस्लिम समाज में भी खुशी देखी जा रही है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नमाज पढ़कर दुआ मांगी है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के कटआउट को सामने रख करके दुआ पढ़ी। लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया। नेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रेकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके हैं। जो मॉर्निंग कंसल्ट पोल ये कहता था कि 78% इंडिया के जो वोटर लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक थे। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जो कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। सो मोदी वाज एडमायर्ड, ही इज अ करिश्मेटिक लीडर। भारत देश का 80% मुसलमान रोड पर लुंगी उठा करके नाचता हुआ दिखाई देता है कि हमारे मदरसे पर बुलडोजर मत चलाओ, हमें मदरसे में ही पढ़ना है। तो भैया राहुल बाबा आप दे किसको रहे हैं स्कॉलरशिप, ये भी तो पहले बता दीजिए। पहले मुसलमानों से पूछ तो लीजिए कि वो वाकई में इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। के मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं, और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं इस विन के बारे में, बीजेपी कितने कॉन्फिडेंट है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाके अ पर्सन हु इज नॉट दैट, मतलब उसकी वो एजुकेशन नहीं थी जिस तरह वो कहते हैं जी कि हम हार्वर्ड के पढ़े हैं, उधर फलाने हैं, वो अपनी इंडिया में पढ़ा है बंदा, वो स्क्रैच से उसने जिसे वो कहते हैं ना शुरू किया है, एंड ही रीच टू दिस पॉइंट, उसने पकड़ के जो है ना सारी की सारी इक्वेशन ही बदल के रख दी है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पूरे भारत भर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जब से ये एग्जिट पोल आया। हालांकि वास्तविक चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को ही पता चलेगा कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी अलायंस जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनना श्योर है। और मुस्लिम महिलाएं भारत के तमाम कोने से ऐसे वीडियोस निकल के आ रहे हैं सामने, इमेजेस निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए जीत की दुआ कर रही है नमाज के समय, खास करके मुस्लिम महिलाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मुस्लिम पुरुष इससे दुखी हो या कुछ हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है, पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है और भारतीय मीडिया में, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं और बहनों के लिए जो किया है वो सराहनीय है। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला हो, ठीक है, पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती थी, और भी मुस्लिम महिलाओं के लिए तमाम ऐसे इफेक्टिव कदम उठाए हैं जिससे मुस्लिम महिलाएं खास करके प्रखर रूप से सामने आती हैं। और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि पुरुष के कंपैरिजन में जो मुस्लिम महिलाएं और बहनें होती हैं वो ज़्यादा बीजेपी को प्रेफर करती हैं। ठीक है, ऐसा एक सीन जब मध्य प्रदेश में भी आया था कि एक मुस्लिम महिलाएं ने अपने पति से मार खाने के बाद, अपने देवर से मार खाने के बाद ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को वोट दिया था। तो मुस्लिम महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। 320 नशिस्तों पर इस वक्त आगे है, और बीजेपी की अपनी जो है 220 नशिस्तें हैं। एमरज एजुकेटेड जवाहरलाल नेहरू और एक है नरेंद्र मोदी, ठीक है, दोनों की जो व्यू है वो बड़ा डिफरेंट है। आप अगर फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, और आप जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, वेलफेयर की भी बात करते हैं, और सारा कुछ बातें कर रहे हैं, लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। अगले दिन वो जो कह रहे थे 800 मिलियन लोगों को कि अगर मुझे वोट डालोगे तो आपको ये सपोर्ट जो है वो ज़रूर मिलेगी, तो इट मीन्स कि हिज आइडिया हैज रेजोनेटेड। और जो 80% इंडिया की मुस्लिम जो हिंदू पॉपुलेशन है दे हैव बॉट दिस आइडिया, इवन मुस्लिम्स माइट हैव वोटेड फॉर जिसे वो कहते हैं ना
जिसे कहते हैं कि वोट किया होगा, सिखों ने भी वोट किया होगा, क्यों नहीं तरनजीत सिंह लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये भी एक बड़े पैमाने पर तासुर आया कि नहीं जी नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ उसको हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो हिंदू थे कांग्रेस को कौन सपोर्ट कर रहा था इनकेस अगर उनको जो है वो सिर्फ हिंदू सपोर्ट कर रहे थे। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक हिंदू फर्स्ट नेशन जो है वो अमर्ज हो रही है जी, फर्स्ट हिंदू नेशन अमर्ज हो रही है, और ये जो आइडिया है मैं दिस इज व्हाट आई फाइंड इट, दिस इज व्हाट जो मुझे नजर आ रहा है, ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट साउथ एशिया होगा जी आइंदा आने वाले दिनों में। आपने साउथ एशिया को देखना है तो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से देखेंगे, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट हाउ इंडिया बेसिकली चेंजेस इटसेल्फ, इंडिया अपने आप को कैसे तब्दील करेगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज बैक इन 1947 हमने तो वी डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री, वो सही था गलत था क्या था वो बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान इसमें डिबेट की हुई है, बट राइट नाउ इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए, ठीक है, और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर दिस इलेक्शंस। वो एक अपनी जगह पे ऑपरेट जरूर करेगा फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन वो आइडिया ऑफ इंडिया इस तरह नहीं होगा जो नेहरू साहब का आइडिया था वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह मोदी साहब पुचा रहे हैं। ये एक आप समझ लें कि बीजेपी की जो डोमिनेंस है और वो आपके सामने नजर आ गई है, और वो जिन प्रिंसिपल्स की बात करते रहे जो बोलते रहे लोग उनके साथ चलते रहे हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा, लोगों ने नरेंद्र मोदी को पकड़ा, उन्होंने उसकी जो ग्लोबल आउटरीच थी उसको भी इंजॉय किया है, उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना उसके जो ग्लोबल कनेक्शन थे उनको भी इंजॉय किया है, उसने लोगों ने अपने सामने इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, ठीक है जी, लोगों ने देखा है कि ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट इंडिया है जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज किया। देखें उनकी स्टॉक मार्केट देख लें, इकॉनमी देख लें, मैं आज थोड़ी देर पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हम इंडिया की इकॉनमी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैं नहीं बोल रहा, उसमें यूएन के स्टैटिस्टिक्स देख लें, उसमें आईएमएफ के स्टैटिस्टिक्स देख लें, अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स देख लें, सारे दुनिया में तो नहीं आ रहे ना इंडिया के अंदर भाई, उनको कुछ नजर आ रहा है पत्ती पैसा नजर आ रहा है, वो पैसा लेने आ रहे हैं, कोई इंडिया से प्यार नहीं करेगा, वो तो इंडिया के पैसे से प्यार करेंगे, सिंपल सी बात है। ये जो बात सच्ची है वो करनी चाहिए, किसी को कोई इंडिया की आवाम से मोहब्बत नहीं है। अगर आज सारी की सारी वेस्टर्न मार्केट उठ के आके इंडिया में पैसा फेंकेंगे तो वो कोई उनको कोई नरेंद्र मोदी का स्टाइल अच्छा लगता है या डॉक्टर जयशंकर की इंग्लिश अच्छी लगती है उनको, उनको पता है भाई इंडिया जाओगे पैसा कमाओगे। सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया कहां पर क्या क्या बोला जा रहा है, तो देखिए अल जजीरा जो है वो ये कह रहा है कि मोदी मैजिक, इंडियन पोल्स, इंडियन एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट रिकॉर्ड बीजेपी विन। फिर बीबीसी ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी लीडर टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्ली एग्जिट पोल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट मोदी विन, ये कह रहा है याहू। और फिर उसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट इंडियाज पीएम मोदी ऑन ट्रैक टू विन हिस्टोरिक थर्ड टर्म। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स मिलता है। अभी मैं जो इंडियन मीडिया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसको हम छोड़े देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स को। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद अल जजीरा ये कह रहा है कि 2024 के जो इस वक्त न्यूज एजेंसीज हैं जिन्होंने के एग्जिट पोल के बाद जो डेटा बता रही हैं उससे ये पता चलता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट ले रहे हैं। तो जनाब दी संडे गार्डियन लाइव, संडे गार्डियन क्या कह रहा है अभी इस वक्त, वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग बैक टू पावर, स्वीपिंग बैक टू पावर नरेंद्र मोदी साहब, गार्डियन ये बता रहा है इस वक्त। ये मैंने आपके सामने ये बता दिया कि ये मेरी अपनी कोई मैंने रिसर्च नहीं की बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अनाउंस कर चुका है कि इलेक्शंस के लास्ट फेज के बाद अब एग्जिट पोल के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आ गए हैं, जालिमों मोदी आ गया है वो जो हम कहा करते हैं। तो चलिए जरा एक और खबर जो मैंने आपको बताई उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर जरा इसका तजिया भी कर लेंगे कि क्या ये सूरत हाल है। और जो खबर एक और है जो कि हमें हिंदुस्तान टाइम्स दे रहा है और वो ये है कि जो एक रिव्यू मीटिंग, नरेंद्र मोदी साहब आज एक रिव्यू मीटिंग होल्ड करेंगे, रख रहे हैं, जिसमें जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ ऑफिशियल्स, उनके साथ जो फर्स्ट 100 डेज हैं थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म के, उसको प्लान किया जाएगा कि पहले 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या करना है। तो अच्छा दोस्तों, अगर आम लोगों की राय जाने तो ये जो एग्जिट पोल है वो लगता है कि सही है, 10 में से 7-8 लोग तो ये कहते हुए पा जाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ही देश के लिए अच्छी है, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया से देख के कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब भी मेटा की तरफ से एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग निकल गया है कि 20 से 30 लाख चाइनीज अकाउंट
चाइनीज फेक अकाउंट जो अपना नाम सुमित रख लेंगे, कोई लिख लेगा मोहम्मद आलम, कोई कह देगा मेरा नाम अविनाश है, कोई कह देगा मेरा नाम सुमित है, कोई कह देगा मैं ये सोहेल खान हूँ, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे लड़ाएंगे भारतीयों को, कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे कि ये भारत के हिंदू मुस्लिम, भारत के जातिगत, ये आपस में लड़ते रहें और नरेंद्र मोदी जी या एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को ना चुने, ठीक है। ये चाइनीज प्रोपागेंडा था, हालांकि भारतीयों का इस पर खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन कई लोग इसके चपेट में भी आए, ठीक है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन भाई सोशल मीडिया पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं उसको एक बार जाँच ले, परख लें, ठीक है। ये नहीं कि कोई चाइनीज अकाउंट से लोग कमेंट कर रहे हैं और नाम आप देख रहे हो तो अरे ये तो कोई यादव है तो इसको गाली देने लोगों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसी यादव या फिर किसी भी समुदाय को मेरा कष्ट पहुँचाने का दृष्टि नहीं है, लेकिन चाइनीज अकाउंट से ऐसे फेक कॉमेंट हो रहे हैं। फेसबुक कंपनी मेटा के ओनर ने ये बताया, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि चाइनीज की तरफ से ऐसे फेक कॉमेंट कराए जा रहे हैं भारतीयों को आपस में लड़वाने के लिए, वो भी एक दो नहीं 20 से 30 लाख कॉमेंट, 20 से 30 लाख अकाउंट से कराए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो आप लोग जरूर आगाह रहे आपस में, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो ना ही लड़े, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है सोशल मीडिया पे एक नाम विजुअल होता है, ठीक है, उसके पीछे कौन होता है आपको नहीं पता, ठीक है। क्या पता नाम सुमित रख रखा है पीछे से कोई चीनी हो, ठीक है, वो लड़ रहा है, ऐसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि लोग देख के इससे उनकी भावनाएं आहट होती हैं, ठीक है। ये तो इन समुदाय को उल्टा बोल रहे हैं, वो तो उस समुदाय को उल्टा बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। आने वाली खैर नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है और पूरी दुनिया यही मान रही है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 400 पार का, देखो ये एक बड़ी गेम थी, ये ना तो कांग्रेस में समझ में आई ना कोई भी विरोध पार्टी को समझ में आई, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मोदी साहब तभी जीत गए थे जब उन्होंने बोला था इस बार 400 पार। हालांकि 400 पार तो नहीं सीटें आएगी, लेकिन 350 से 400 के बीच में रहेगी, तो 360 भी हो सकती है, 370 भी हो सकती है, ठीक है। उन मोदी साहब को जो मेजोरिटी चाहिए थी वो मेजोरिटी उनको 400 पार के नारे से ही मिल गई थी। 400 पार का बोल दिया, विरोध पार्टियां है ना ढूंढने लगी, संशोधन करने लगी, 400 पार कैसे होगा, 400 पार क्यों होगा, होगा के नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, कैसे बोल दिया कि इतना सारा हो, एक वर्ष, सिर्फ एक वर्ष बोलो या एक लाइन बोलो, एक लाइन में उन लोगों को धंधे लगा दिया, विरोध पार्टी जितनी भी सबको बिजी कर दिया एक ही लाइन ने, 400 पार एक ही लाइन ने सिर्फ उसमें बिजी कर दिया कि कैसे हो सकती है 400 पार। वो फिर गिनते रहे, यहाँ मोदी साहब ने सीटें ले ली, बस इस बार ना तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मुद्दा भी नहीं था कि इस बार किस मुद्दे पे बीजेपी लड़ेगी, इस बार किस मुद्दे पे कांग्रेस लड़ेगी, सब लड़े 400 पार पे, दैट्स इट। इतने में समझ नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जिस दिन मोदी साहब ने बोला ना कि इस बार 400 पार और मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया, उसी दिन मैंने बोल दिया कि बड़ा बड़ा गेम खेल रहे भाई, और सबको चाहिए ही, हमें तो मोदी जी चाहिए, सबको बताइए भाई, मतलब सबको मोदी जी चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, सब कुछ, क्योंकि जो 15 साल में लोगों ने सिर्फ महसूस जो किया है ना, देखा है वो पिछले 70 सालों में नहीं महसूस किया होगा, वो इस 15 साल तो नहीं 10 साल में जो महसूस हुआ है लोगों को, वो पिछले ऐसा समझ लो 75 साल प्लस हम चल रहे 60 साल हम ले लेते हैं, 60 साल तक किसी को ऐसा एहसास नहीं हुआ जो अभी एहसास हो रहा, इसलिए मोदी साहब को वोट दिया जा रहा है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।